वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 है यानी कि टाइगर 3 के डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, व्हाट एन अमेजिंग डे इट वॉज यस्टरडे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड द हिस्टोरिक सेमीफाइनल। और भैया आपके मित्र कल स्टेडियम गए थे भाई मैच देखने के लिए, तो उसका व्लॉग जो है इसके बाद आने वाला है, आप लोग कृपया करके मिस मत करना। उसमें विराट कोहली देखने के लिए मिलेगा भैया, एकदम आप क्लोज देखेंगे। जय शाह है भाई, रोहित शर्मा है, इट इज अ क्रेजी व्लॉग, वो मत मिस करना। लेकिन मैच जहां 11:30 बजे खत्म हो गई, पीपल वर देयर इन द स्टेडियम टिल द टीम इंडिया लेफ्ट। यस फ्रेंड्स, वो बस का इंतजार जो है, प्लेयर्स स्टेडियम से बाहर निकल गए, इंतजार जो है कम से कम लाखों लाखों लोग, पूरे की पूरी मरीन ड्राइव भर चुकी थी। एंड गाइस, जब तक टीम की जो बस है वो 12:30 नहीं निकली, पूरे के पूरे रास्ते भरे हुए थे। इट वॉज कम्प्लीटली सेलिब्रेशन मूड, पूरे के पूरे लोग यू नो तिरंगा लेके पूरे के पूरे जोश में थे। तो कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया, भैया फाइनल पहुंच गए हो। एंड यहाँ पर टाइगर 3 के डे नंबर 4 का स्वागत जो है वो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की मैच ने किया, चाहे वो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो क्लब्स हो, पूरी की पूरी सड़कें खाली थी। पूरा का पूरा देश कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड देख रहा था, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण था हमारे भारत के लिए। एंड इसी का कारण है फिल्म ने अच्छा खासा 10 या 15 करोड़ का ब्लो लिया यहाँ पर वर्ल्ड कप की वजह से। ऑल सेड एंड डन, डिस्पाइट दैट फिल्म जो है वो 20 करोड़ के ऊपर जो है वो अफ्लोट रही, जो कि इस फिल्म के लिए काफी अच्छा साइन है। आज से इस फिल्म को कलेक्शन जो अपने स्टडी रखने होंगे, एंड इसके बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन और मिलेंगे ऐसे कलेक्शंस को बूस्ट देने के लिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं डे नंबर 3 के साथ। सो डे नंबर 3 जो था गाइस, इसका मंडे था, एंड मंडे को हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म 41 करोड़ हिंदी में कमाएगी एंड तमिल तेलुगु वर्जन में 1 करोड़ कमाकर 42 करोड़ कमाएगी। लेकिन गाइस, द कलेक्शंस सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। मैंने आपको कल रात को ही बताया था किस तरह से डे नंबर 3 पे रात के शो मैसिव फुल थे। अपना एपिसोड भी आप लोग चेक कर सकते हो गाइज, नाइट शो 15.5 करोड़ के ऊपर गए थे, पूरे के पूरे भरे हुए थे। इसी का कारण है सिर्फ हिंदी वर्जन ने डे 3 पे 43.50 करोड़ की कमाई की है, मोर देन डे नंबर 1। एंड गाइज, यहां पर तमिल तेलुगु वर्जन ने 1.25 करोड़ कमाकर 44.75 करोड़ कमाए। यस फ्रेंड्स, डे नंबर 3 फॉर टाइगर वॉज 44.75 करोड़ एंड डे नंबर 1 था 44.50 करोड़। ये डे नंबर 3 की कहानी चल रही है, कल की नहीं गाइस। ओके, सो हिंदी वर्जन डे नंबर 143, डे नंबर 258 एंड डे नंबर 343.50। इससे पहले हिंदी फिल्म इतिहास में किसी भी फिल्म ने, सिर्फ जवान एंड पठान ने नंबर्स किए हैं जो टाइगर 3 ने किया है। इसीलिए कहता हूं, जानकारी आधी अधूरी हो तो लोगों को कुछ भी बनाया जा सकता है। 144.50 करोड़ 3 दिन में कमाने वाली ये थर्ड फिल्म बनती है। जवान पहले 3 दिनों में 180.45, पठान 161 एंड टाइगर 3 144.50 एंड ऑल लैंग्वेजेस 148.50। इसका ग्रॉस होता है 180.50। ओवरसीज फिल्म ने 59.50 करोड़ कमाई की है, जहां पर डे नंबर 1 यानी कि प्रीमियर्स, उसके बाद 12 नवंबर का कलेक्शन, 13 एंड 14 नवंबर का कलेक्शन था। एंड कल यशराज फिल्म्स ने 3 दिनों का पोस्टर 240 करोड़ का दिया है। कितनी फिल्में हैं जो 3 दिनों में 240 करोड़ कमाई करती है? हार्डली, गिन लो उंगलियों पे, गिन लो, हमारी हिंदी फिल्में है ही नहीं। जवान है, पठान है, टाइगर 3 है, एंड लोग बोल रहे हैं कलेक्शंस कैसे आ रहे हैं। 3 दिन में 240 करोड़ कमाई करना अपने आप में एक बाप लेवल की उपलब्धि है, वो भी ऐसे डेट पर रिलीज करके फिल्म को। These are absolute humongous collections. बात करते हैं अभी कल डे नंबर 4 की, जहां पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच थी। लगा था कि फिल्म 30-35 कमाएगी, लेकिन सीधा मैं तो बोलता हूँ 15 करोड़ का स्लैश मार दो। कल कोई भी इंसान नहीं होगा जो टाइगर 3 देखने में इंटरेस्टेड होगा, स्पेशली रात के शोज में, क्योंकि मॉर्निंग 14 था, आफ्टरनून 18 हुआ, इवनिंग 20, नाइट 20, नीचे गिर गया, 19 पकड़ के चलो आप लोग,
इतना गंदा ड्रॉप हुआ क्योंकि सब लोग कल इंतजार कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने लिटरली पहले 30 ओवर तक हवा टाइट करके रखी थी एंड उसके बाद जब विकेट गिरना शुरू हुआ तब जाके चैन की सांस आई कि यस हम लोग मैच जीत सकते हैं। एंड गाइस इसीलिए माय प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन इज 23 करोड़। डिस्पाइट द वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत को भी 10 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पर एंड यहाँ पर भी वर्ल्ड कप के टाइम पर सलमान खान को इस फिल्म से नुकसान उठाना पड़ा है। एंड फाइनल के दिन अभी से बोल रहा हूँ संडे कलेक्शन जो वापस से 10-15 करोड़ की बैंड बजने वाली है तो ये अब अगली बार देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में फिल्म अपनी रिलीज न करे। सीधा सीधा 30 करोड़ रुपए का नुकसान टाइगर 3 को होना ही होना है गाइस। एंड बात करूं साउथ की तो कल 1 करोड़ यानी कि हिंदी वर्जन जो है Day 4 तक का कल तक का 167.50 एंड गाइस सब वर्जन्स मिला लूं तो 172.50 करोड़ होगा। कल का कलेक्शन 24 करोड़ नेट, इसका ग्रॉस होगा 34, ओवरसीज 6, 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर ये अपना वर्ल्ड वाइड जो है वो 280 करोड़ पर ले जाएगी। यहां तक समझ में आया खेल। अब बात करते हैं आज की। आज क्या, आज ना छुट्टी ना कोई दिवाली ना कोई भी ऑफर, कुछ भी नहीं है गाइस यहां पर। दम वॉकिंग स्मूथ प्लेन डे है। आज टाइगर 3 को बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव करना है। गाइस कल का ड्रॉप जो था वो मैच के वजह से था, इसलिए गाइस कल जितना कमाया उतना इसको आज भी कमाना चाहिए। लेट्स सी क्या वो कर पाती है नहीं। एडवांस बुकिंग इज 4.35 करोड़, कल की एडवांस बुकिंग 6 करोड़ की थी एंड कलेक्शन आने वाले हैं 24 करोड़। इस फिल्म के एडवांस बुकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वॉक इन ऑडियंसिस के दम पर यहाँ पर फिल्म जो है वो चलते हुए दिखाई दे रही है अलॉन्ग विद सिंगल स्क्रीन एंड ओवर द काउंटर टिकट सेल्स। तो आज 4.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग है एंड गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर टाइगर तृतीय टुडे इज 19 करोड़ हिंदी एंड तमिल तेलुगु मिला के 20 करोड़। तो आज अगर ये 19 करोड़ कमाती है देन इसके कलेक्शन जो है 5 दिनों में 186.50 186.50 करोड़ होगा एंड ऑल लैंग्वेजेस 192.50 करोड़ होगा। आइडियली आज इसको और पैसे कमाकर एटलीस्ट ऑल लैंग्वेजेस में 200 करोड़ क्लब एंटर करना था, लेकिन आई एम कीपिंग माय एक्सपेक्टेशंस मिनिमल। मुझे नहीं पता आज का दिन किस तरह से जाने वाला है, प्रॉपर वर्किंग डे, इसलिए मैंने अपने प्रेडिक्शंस जो है कम रखे हैं। सो गाइस आज ये पूरे इंडिया में नेट कमाएगा 20 करोड़, ग्रॉस होगा 30, ओवरसीज 5 यानी कि वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ कमाकर 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल 315 करोड़ ले जाएगा। फ्राइडे है, ओवरसीज अच्छा जाएगा कलेक्शन स्पेशली गल्फ में। उसके बाद सैटरडे का दिन है एंड संडे कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है एंड इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में उस दिन तो मतलब कोई भी आदमी टाइगर 3 मैक्स टू मैक्स नहीं जाएगा देखने के लिए, अभी से कह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो लेट्स सी गाइस ये कितना जल्दी 250 करोड़ नेट कमाता है एंड 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाता है क्योंकि उसके बाद मंडे से प्रॉपर वर्किंग डेज जो है शुरू हो जाएंगे। टाइगर 3 की मंजिल कहां जाएगी ये आने वाले 2-3 दिन जो डिसाइड करेंगे। दिल्ली NCR 1631 शोज है, मुंबई 1333, पुणे 488, बेंगलुरु 615 शोज गिरने रहे हैं। सर्कमस्टेंसेज है, हालात है जो टाइगर 3 कलेक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड गाइस बात करो हैदराबाद की 451, कोलकाता 460, अहमदाबाद 893 से 911 हो गया है, चेन्नई 115, सूरत 493, जयपुर 260, चंडीगढ़ 203 एंड लखनऊ 311 है। तो लेट्स सी गाइस कल के कलेक्शंस क्या आते हैं। डिस्पाइट द मैच अगर 24 करोड़ कमाता है कंप्लीट क्रेजी सिनारियो सलमान खान टाइगर 3, उसके बाद आज उसको कैसे भी सस्टेन करता है तो गाइस पूरा क्लीन रन है। जब तक सैम बहादुर नहीं आती है, एनिमल नहीं आती, टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। अब देखना यह है कि किस तरह से चलती है, दौड़ती है, भागती है या धीमी हो जाती है, ये आने वाला मंडे हमें एक क्लियर पिक्चर दे देगा। ओके गाइस सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, माफी चाहता हूँ कल एपिसोड नहीं बनाने के लिए, लेकिन मैंने कल सुबह ही आपको बता दिया था कि अगर मैं मैच जा रहा हूँ देखने के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।